तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे मलिक ब्लॉग में। और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:11 और हम लोग निकलने वाले हैं। आज है संडे, दिन संडे है और हमारे फ्रेंड आ रहे हैं और आज हम लोग आप लोगों को ले चलते हैं नेपाल रुपैडिया बॉर्डर। नेपाल, आप लोगों ने नेपाल का तो नाम सुना ही होगा ना, तो हम लोग वहीं चलते हैं। और आज की जो हमारा ब्लॉग आएगा वो आएगा रहीम के मोमोज। मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ और दिखाते हैं, फिर आगे ख़त्म करता हूँ। तो हे गाइस, हम लोग घर से निकल चुके हैं। आप लोगों को मैंने ये बताया ही था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे भाई लोग आ चुके हैं, अब हम लोग निकल भी लिए घर से और गाड़ी में इस वक्त हम लोग हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ कि सामने आप लोग देख सकते हैं रुपैडिया नेपाल बॉर्डर का दिख रहा है आपको, ठीक है। और फिर हम लोग अभी रास्ते में भी आपसे बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। बकचोदी करेंगे यार, बात क्या करेंगे आप ना बताओ ना। ये हमारे साहब खान है, जाबुद्दीन भाई और विकास श्रीवास्तव। तो भाई हम लोग कहाँ चल रहे हैं? नेपाल। क्या करने चल रहे हैं? मोमोज एंड बस्तीज वगैरह वगैरह वगैरह। बस हम लोग का मेन पर्पज मोमोज खाने का है, क्योंकि आज संडे था। लोग देखो बड़े बड़े मोमोज खाने के लिए नेपाल बॉर्डर पार कर जाएंगे। आज होता है मोमोज लवर। आज आज संडे भी है, हम लोग काट रही है ओम। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। आज आज संडे भी है, हम लोग मतलब इधर 3 दिन से हम लोग का प्लान था लेकिन हम लोग को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। आज हम लोग सब लोग अपने अपने काम से फ्री हैं, तो अभी दोपहर तक सब लोग का इधर उधर काम हुआ, फिर हम लोग अपना अपना काम निपटा के निकले हुए हैं नेपाल के लिए, क्योंकि रहीम मोमोज जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है नेपाल में। नेपाल में हाँ। और अगर आप लोग कभी नेपाल जाएँ तो वहाँ पे रहीम का मोमोज खाए। भाई रहीम का मोमोज कहाँ पड़ता है? दुकान दुकान उसकी भाई कहाँ पड़ती है? भाई ये नेपाल बॉर्डर जो आप पार करेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ता है, लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। और भाई ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन कोई कोई दिक्कत नहीं। और भाई जो ये नेपाल में भाई मोमोज की दुकान है, अशरफ भाई कहाँ पे पड़ती है? प्रॉपर नेपाल में डांग। भाई थोड़ा तेज बोल दिए। प्रॉपर नेपाल में डांग में। भाई अगर अगर ये आना चाहे नेपाल, अगर इनके मोमोज खाना चाहे तो ये लोग मतलब वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? रिक्शा मतलब ये लोग कहाँ के लिए रिक्शा करें ताकि वे पहुँच जाए नेपाल बॉर्डर से? अच्छा चलो ठीक है भाई, अगर आप लोग आते हैं तो रहीम के मोमोज जरूर खाएं और बहुत ही अच्छे मोमोज बनाता है वो। और जैसा कि भाई मैं आप लोग को बता दूं, हमारे घर ननपारा से रुपैडिया नेपाल बॉर्डर लगभग 20-20 किलोमीटर पड़ता है और हम लोग अब रास्ते में हैं। मान लीजिए कि हम लोग 8-9 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं ये दिक्कत पड़े बॉर्डर। और मैं इस वक्त पहुंच रहा हूँ SSP कैंप, रुपैडिया SSP कैंप। और आप लोगों ने ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा SSP कैंप। कहाँ जा रहे हैं सलमान भाई, आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? भैया हमें किडनैप कर लिया गया, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तुमको खुद नहीं पता है? ऐसा कैसे हो सकता है, किडनैप हो गए? और ये हमारे हैं भाई, फोन आ रहा है भाई, फोन काट दिए जरा। ये बाहरी नंबर लगे दो, अबे विदेश का नंबर आया, कह रहे भाई नामा कर दो। भैया संडे संडे को सारा काम बद रहे, बस रविवार रविवार हम लोग गुरगुट्टा के कहाँ पहुँच गए भाई? बाबा कुट्टी, बाबा कुट्टी। आप लोगों ने मजार का नाम सुना होगा बाबा कुट्टी, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जब राकेश चाकी लगी हुई थी 40 रुपए का टिकट था, 4 करोड़ की मूवी की 40 रुपए आपका लोअर उसका था, मतलब बालकोनी का था वो था लगभग 80 रुपए।
और आज लेकिन मूवीज में जो मारती आए हाय बाटे काट दिए वो ना भाई ना ना ना। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बाबागंज गंज बाबा बाबागंज दिहाती हम लोग हैं भैया। देखो हम लोग हैं यूपी से। यूपी में एक छोटा सा जिला पड़ता है बहराइच जिला। बहराइच जिला के हम लोग पढ़ते हैं ननपारा पड़ता है छोटा सा कस्बा कस्बा है वो। तो भाई लोग हम लोग रुपैडिया में एंट्री मार चुके हैं और मैं दिखाने वाला हूं आपको रुपैडिया बॉर्डर का मेन गेट जहां से हम लोग एंट्री करते हैं नेपाल के अंदर। और ये हमारे भाई हैं, ये भी साथ में जाएंगे नेपाल। अब इनका कोई मूड नहीं बोलने का, भी छोड़ दे बाबू नहीं मोमोज खाने का मैंने भैया इनका मोमोज। और हम लोग पहुंच गए हैं रुपैडिया, बस 2 किलोमीटर रुपैडिया बॉर्डर यहां से बचा हुआ है। अगर आप लोगों की आंखें बड़ी होंगी और लोगों को ज्यादा दिखता होगा तो सामने शायद आप लोगों को रुपैडिया दिख रहा हो, नहीं सॉरी नेपाल दिख रहा हो, रुपैडिया दिख रहा हो भाई, भूल गए थे क्षमा चाहते हैं। अभी नेपाल की गाड़ियां अभी दिखने लगी हैं। हम लोगों ने अभी बैक कैमरा नहीं किया है, बैक कैमरा करते हैं फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग। और जैसा कि भाई हम लोग रुपैडिया बॉर्डर पहुंचे थे तो यहाँ पे पता चला कि बिना मास्क का एंट्री नहीं है, फिर हम लोग वापस गए मास्क लेके आए हुए हैं और हम लोग निकले, ठीक है भाई बाय। और भाई हम लोग रुपैडिया बॉर्डर से बस नेपाल में एंट्री मार चुके हैं, बंतार होना शुरू हो गया है और यहाँ वीडियो बनाना मना कर रहे हैं मैम कि अरे वीडियो मत बनाइए, लेकिन हमारी वीडियो तब भी चल रही है, हमने कैमरा नीचे कर दिया है और हमारे भाई लोग जितने थे डर चुके, बहुत ही ज़्यादा डर गए। नहीं कोई बात नहीं भाई, भाई यहाँ पे जो रिक्शे वाले हैं हम लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, बोल रहे भाई मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, लेकिन हम लोग उसके साथ जाएंगे, मसला है हम लोगों के साथ जाएंगे जो बहुत ही मतलब जो थोड़ा परेशान किस्म का रिक्शे वाला होगा, जिससे मैं मेरी मदद भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, वो मेरी भी मदद कर दे और उसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। हम जो थोड़ा कमज़ोर किस्म के होंगे उनके साथ जाएंगे। और ये हमारे भाई अशरफ भाई, हम लोग पहुँच चुके हैं रुपैडिया के अंदर नेपाल बॉर्डर के पास। ये रहा नेपाल बॉर्डर का गेट जो इसके अंदर से हम लोग सीधे जाएंगे नेपाल, विदेश अंदर जाएंगे और फिर मिलते हैं आपको ये रात। और भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ वीडियो बनाओगे तो मत्थे पे गोली मार देते हैं। मत्थे पे भाई मत्थे ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बोल रहे हैं मत्थे पे गोली मारते हैं क्या भाई? मास्क रही हो, मास्क लगा के बोलियो, गोली कहाँ मत्थे पे भाई तुम बोलियो क्या? मास्क हटा के गोली कहाँ बोलते हैं? कोरोना। हाँ ये भाई ये आपकी बात सही है, कोरोना है इसलिए हम लोगों ने मास्क लगा रखा है, बाकी पब्लिक भी मास्क लगा रखी है। और जैसा कि भाई हम लोग अब नेपाल में एंट्री मार चुके हैं, ये नेपाल का है भाई, हम लोग नेपाल में आ चुके हैं। अशरफ भाई हमारे फ़ोन चला रहे हैं विकास तो। और यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा मैटर हो गया था, मैटर क्या हो गया था कि ये है कि बॉर्डर पे आप वीडियो नहीं बना सकते, पर हम लोग वीडियो बना रहे थे तो एक हमारे पुलिस नेपाल की पुलिस मतलब उन्होंने रोक लिया, कहा वीडियो मत बनाइए आप लोग। फिर बात हुई, हम लोग ने अपना कार्ड दिखाया तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाइए। फेसबुक पेज हम लोगों ने दिखाया अपना, क्योंकि भाई हमारे साथ भाई है ये पत्रकार है साबुद्दीन खान, इनका चैनल है 10,000 से ज़्यादा फेसबुक पेज पे भाई फॉलोअर देंगे, ठीक है। और हम लोग बढ़िया बाकी सब लोग बैठ गए पीछे पीछे, बाकी सब लोग बैठ गए हमारे भाई लोग, भैया पीछे वाले इधर देख लो आगे जरा ये सब लोग बैठ चुके हैं भाई, गिनती कर लो है सब की नहीं है। हमारी विदेश की रोड नेपाल विदेश ये दिख रहा है,
इस रोड से हम पहुंचेंगे रही मोमोज के वहाँ, फिर खाएंगे मोमोज। आए आए आपको किडनैप कर लिया हम लोग को, अरे तुम लोग को इंडिया नहीं जाना है, हम लोग के फोन में नेटवर्क भी नहीं है। और बंद करते भाई क्योंकि बॉर्डर आ गया, फोन छीन लेते हैं यहाँ पे। और भाई हम लोग नेपाल पहुँच चुके हैं, बस इसके बाद एक और चौराहा नहीं तिराहा पड़ेगा, उसके बाद चौराहा पड़ेगा, फिर उसके बाद पड़ेगा मोमोज का दही मोमोज। और भाई उनको पता है कि दुकान कहाँ, हम लोग का ऐसे ही अंदाजा है कि भाई एक होटल है जहाँ बिरयानी बिकती है, उसके बगल में पता है बिरयानी होटल है। रांगरो छा डंगोली चलो फकिंग तो मार्केट छी तो बनके ता तंबो चुका का तो टीकू हम मुत्तो ता मुत्तो ता मुत्तो। और ये रही नेपाल की मार्केट, जो भाई यहां पे पूरा ठंडक का सामान आपको मिलेगा। बताओ जल्दी नेपाल आने का प्लान कैसे बना, नेपाल आने का प्लान कैसे बना, जाने का प्लान कैसे बना। दुकान के ऊपर रखा था, अरे दुकान में बैठा हुआ था, मैंने फोन किया मलिक को, मतलब आप भाई साहब कहीं चलना है कि नहीं चलना, तो आपने कहा कि आप असल के फ़ोन कर लो, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा आप ही कर लीजिए, तो फिर आप अब आगे बताइए क्या हुआ। फिर इन्होंने कहा आप कर लो, फिर इन्होंने फ़ोन काट दिया, मैंने अशरफ के कॉल किया, अशरफ ने कहा कि भाई कहीं चलना है, आप ने फ़ोन किया कहीं चलते हैं, तो अशरफ ने कहा हाँ चलो, हमने कहा नेपाल चलते हैं, तो अशरफ ने कहा हाँ चलो हमको काम भी है, फिर हमने कहा कि मुझे थोड़ा दिन बारे में काम है, मैं कर लूँ फिर चलता हूँ, जिम्मेदार ठीक है 1 घंटे बाद चलते हैं। फिर हम लोग मुल लिए गली में, अब बस रही मोमोज की दुकान आने वाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गली में मुड़ना, सीधा चलेंगे लगभग 50 कदम आगे दुकान। और अभी भी नहीं, अभी देखिए कि ये भी नहीं आगे वाली, आगे वाली ये नहीं है, ये भी आगे वाली आगे भाई आगे वाली आगे वाली ये नहीं है, ये दिख रहा है भाई क्या हम लोग को, हाँ भाई आगे 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 नहीं नहीं आगे बस बस गया बस गया बस भाई ये रोकी हो, ये दुकान आ गई है रही मोमोज आ गई भाई रही। हम लोग पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए, रहीम होटल और हम लोग इंट्री मारने वाले अंदर, और ये रहा भाई कर ली रहे भाई, क्या बोल रहे हैं, सेकुआ बोलते हैं ये, इसको कहते हैं सेकुआ, ये बन रहा है फ्रीज में लगा के तुम्हें करेंगे, और हम लोग और भाई हमारे सेकुआ बना रहे हैं, इसको बोलते हैं सेकुआ, और ये रही मोमोज की दुकान, और भाई लोग हमारे अंदर पहुंच गए हैं, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस दुकान मोमोज है, और मोमोज का सूप आ चुका है, मोमोज अभी आना बाकी है। भैया ये क्या है, की तारीफ हो रही थी, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ, ये वो मोमोज, अब हम लोग मोमोज खा के निकल लिए बाहर, पेट बहुत ज्यादा भर चुका है, हमने अपनी एक प्लेट खा ली थी, साहब ने भाई ने अपनी पूरी प्लेट खा ली, सलमान ने आधे में ही अटक गया, आधी प्लेट भी नहीं खा पाया है, भाई ने पूरी प्लेट खा ली, हमने पूरी प्लेट खा ली। और भाई तो भाई आपने कितने मोमोज खाए, भाई पेट इसका छोटा है दिख रहा है बड़ा भारी, लेकिन है नहीं, 3 मोमोज सिर्फ इसने खाए, बाकी ऐसे ही छोड़ दी, इन भाई ने भी 3 ही 4 मोमोज खाए बाकी छोड़ दी, और हम खत्म खल्ला तेरा भाई मान्य फोटोग्राफर जान लेवा फोटोग्राफर। और हम लोग अब निकल लिए हैं, मतलब हम लोग निकल रहे हैं इंडिया के लिए, नरसारा अपने घर वापस जा रहे हैं, अब यहाँ टिकट निकल रही है नेपाल बॉर्डर, वहाँ पर हम लोग शूटिंग होगी तलाशी होगी, वहाँ पर हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। चलिए फिर भाई मिलते हैं आप, हाँ चल रहे भाई इंडिया बोले तो घर अपने घर बैठो भाई छो, मिलते हैं आपको बॉर्डर पे। तो लोग तो भाई हम लोग फिर से बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बस निकलने जा रहे हैं नेपाल से,
बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया। ये बॉर्डर के बाद हम लोग पहुंच गए, हम निकलने वाले हैं कुछ ही देर में बाहर। भाई अब हम लोग नेपाल से बाहर निकल आए अपने घर इंडिया नेपारा वापस। और ये क्या पहुंचे? पहुंचने वाले अब हम लोग पहुंच गए हैं भैया, बॉर्डर पे हैं भैया। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।